एसोसिएशन की पश्चिम से मोम जिला कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर से कोरोना काल के टैक्स और उस पे लगे फाइन को हटाने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा और उसके पश्चिम से मोम जिला अध्यक्ष सतीश पुरी के खिलाफ एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एक स्थानीय होटल में आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक में बस मालिकों को परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण हो रही परेशानियों पर मंथन किया गया और निर्णय लिया गया कि जल्द ही राज्य परिवहन प्राधिकार के पद अधिकारियों से मुलाकात कर सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह जी ने कहा कि पूरे राज्य में करीब 500 बसों का कोरोना काल टैक्स पेंडिंग है, गई सरकार उसे समाप्त करे, कुछ समय दिया जाए ताकि बस मालिक पटरी पर लौट सके। इसके साथ ही ऐसी बसों को परमिट 2 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि बसों से SLD हटाने का निर्णय पूरी तरह से गलत है। आइए देखते हैं झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह जी ने क्या कहा। तक आप जनता का पहुंचाते हैं, हम लोगों का भी आवाज पहुंचाइए कि सरकार हम लोगों पर ध्यान दे। हम सरकार का काम करते हैं, हम रोजगार देते हैं, हम रोजगार देने वाला संस्था है, तो कम से कम सरकार हम लोगों का माने। कोरोना काल का टैक्स अभी तक कुछ लोगों का बाकी है, उसको पहला डिमांड है कि कुछ लोगों का जो सरकार अभी तक पेंडिंग रखे हुए लगभग 500% का पूरे राज्य में, उसका टैक्स हटा दे, टैक्स पर से फाइन हटा दे, हम लोगों का महीना 2 महीना का समय दे दे, जिससे हमारे वो बस मालिक पटरी पर आ जाए, वो बस मालिक बाकी का पेपर तैयार कर ले। दूसरा डिमांड जो महत्वपूर्ण डिमांड है वो है AC बसेस का, 2 साल कोरोना काल में जो हम मार खाए हैं 2 साल उसका अवधि बढ़ा दे, परमिट में 7 साल के बदला 9 साल कर दे, 12 साल का जो परमिट राज्य से दूसरे राज्य का होता है उसको 14 साल कर दे, ये हम लोगों का डिमांड है। और राज्य के अंदर जो 15 साल होता है उसको हम लोग बैठक में डिमांड करेंगे कि उसको भी 2 साल बढ़ाया जाए कोरोना काल का, ये हम लोगों का है। तीसरा जो अभी अभी हमने कहा कि SLT वाला जो ये किए हैं ये बिल्कुल गलत है उनका निर्णय, क्योंकि सरकार 2017 के बाद इंजन में फिट करके ही भेज रहा है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे, हम कैसे लगाएंगे, कैसे हटाएंगे। एक वो दूसरा कि 49 कंपनी है 21 राज्य में, भारत के 21 राज्य में 49 कंपनी का SLD लगता है और हमारे राज्य में भी 4 से 5 कंपनी को अलाउ हुआ है, जो सरासर गलत है। गलत इसलिए कि वो कंपनी पता नहीं कैसे वो अपना आके करा लिया जबकि हमको 49 कंपनी। सरकार को समझना चाहिए कि सरकार का ड्यूटी हम कर रहे हैं, हम सब बस मालिक, हम इस परिवार परिवार से जुड़े हुए सब लोग, हम लोग नौकरी दे रहे हैं, हम लोग नौकरी देने वाले लोग हैं और उसके साथ सरकार इसका सरकार को हमको हक में लेना चाहिए, धरती में लेना चाहिए। और ये BJP के जो हमारे पूरी साहब हैं, पूरी साहब को मैं कह देना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर किसी तरह से कोई ये निर्णय नहीं है, अन्यथा इनकी 3 दिन के बाद 24 घंटे के बाद इनका हम लोग केंद्र तक पहुँचा। ये चीज हम अपने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को भी देंगे, उनको मेल करेंगे और ये चीज हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के जो नड्डा साहब है उनको भी देंगे। इस तरह हम लोग का क्यों किया जाए, हम लोग क्या गुनाह किए, हम लोग सरकार को टैक्स करते हैं, हम लोग सरकार के तरफ से काम करके रोजगार पैदा करते हैं, हम जनहित में बसें चलाते हैं, मेरी कहां कहां गलती है कि हम लोग किस तरह से सताया जा रहा है। SLT की बात की, SLT 49 कंपनी, आज हमारे भारत में SLT 49 कंपनी 21 राज्य, आप गूगल उठा लीजिए, गूगल उठा के देखिए 21 राज्य में 49 SLT चल रहा है और हमारे राज्य में अभी 4 SLT का ऑर्डर किया गया है। हाँ भाई, आप किस दुनिया में आप हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि किस दुनिया में आप हैं। आप हमारा वोल्वो, आज हमारा आइसर या टाटा या लीलैंड बना के भेज रहा है, उसको हम निकालते हैं। रांची में आयोजित कार्यक्रम के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पुरी द्वारा बसों की व्यवस्था के साथ साथ 1000 लीटर डीजल की मांग किए जाने के आरोप लगते हुए एसोसिएशन ने भारतीय जनता पार्टी और उसके जिला अध्यक्ष का बहिष्कार किया है। भाजपा अध्यक्ष द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना पर भी एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किए गए कार्य को अनुचित करार देते हुए प्रदेश स्तर तक ले जाने की बात कही है। वहीं सिंहभूम बस ओनर्स के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने सीधे तौर पर बहिष्कार की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम सिंहभूम में भाजपा की क्या परिस्थिति है ये किसी से छिपा नहीं है।
यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में स्थिति और भी बदतर हो जाएगी।